अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम आपसे ये कहें कि आप जो पानी पीते हैं उसमें कंप्यूटर का कीबोर्ड घुला हुआ है तो शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि जिस पानी को आप पीते हैं उसमें सिर्फ कंप्यूटर का कीबोर्ड ही नहीं बल्कि कंप्यूटर का माउस, मोबाइल फोन, हेडफोन और ईयरफोन भी घुला हुआ है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते होंगे, खराब हो जाने के बाद आप इन चीजों को फेंक देते होंगे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा पीने के पानी को भी दूषित कर सकता है। आज हमने ई वेस्ट और पानी पर उसके दुष्प्रभाव का डीएनए टेस्ट किया है। ये विश्लेषण आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी न्यूज की टीम ने एक विश्वविद्यालय के शोध पत्र का डीएनए टेस्ट किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दिल्ली में मौजूद ई वेस्ट के असर का अध्ययन किया है। इस शोध में यह पता चला है कि ई वेस्ट की वजह से भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। अगर आप भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसमें हैवी मेटल्स हो, आपके पानी में कॉपर, लेड, कैडमियम, क्रोमियम और जिंक भी घुला हो सकता है। मिट्टी की ऊपरी और निचली परत में भी इन धातुओं की मात्रा में सैकड़ों गुना इजाफा हुआ है। इस वजह से पेड़ पौधों, सब्जियों और फलों में भी ई वेस्ट का जहर घुल रहा है। दुख की बात यह है कि समस्या की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में दुनिया भर के ई वेस्ट को ठिकाने लगाया जाता है। भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका, चीन और यूरोप के बहुत सारे देश अपना ई वेस्ट हमारे देश में डंप कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतने मजबूर क्यों हैं? क्या विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रति हम जागरूक नहीं हैं? हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक देश में ई वेस्ट के कुल आयात का 42% अमेरिका से हो रहा है। इसके अलावा हम चाइना से 30%, यूरोप से 18% और ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों से 10% इलेक्ट्रॉनिक कचरा आयात कर रहे हैं। वर्ष 2016 में भारत में 18.5 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकला। अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2018 में भारत में 30 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होगा। ये दुनिया भर में पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का 12% है। भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत हर वर्ष पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे का 2% से भी कम हिस्सा रिसाइकल कर पाता है। वर्ष 2016 में भारत की सरकार ने नियम बनाए कि ई वेस्ट को पैदा करने वाली कंपनी को ही अपने 30% से 70% ई वेस्ट को मैनेज करना होगा। परेशानी की बात यह है कि देश में बड़े पैमाने पर ई वेस्ट पैदा हो रहा है और हम विदेशों से भी ई वेस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में देश में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ओवरलोड है और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इस तरह के कचरे को कैसे वैज्ञानिक ढंग से रिसाइकल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सोने और चांदी सहित कई कीमती धातुएं होती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है। इसलिए भारत में ये अपने आप में एक असंगठित उद्योग बन चुका है और ई वेस्ट को डिस्पोज करने वाले लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है, लापरवाही हो रही है और अब इसका असर देश के कुछ हिस्सों की मिट्टी और पानी पर पड़ने लगा है। पानी और मिट्टी में खतरनाक केमिकल मिलने की वजह से पौधे भी मुरझा जाते हैं। ऐसे में सोचिए कि इंसानों के शरीर पर इसका क्या असर पड़ता होगा। ये है आपकी जिंदगी के कुछ खास हिस्से जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये है आपका टीवी जिसके साथ आप हंसते हैं, रोते हैं। ये है आपका मोबाइल जिसके साथ आप जागते हैं, सोते हैं। ये है आपका चार्जर जिसके बिना आपका मोबाइल सांस नहीं ले पाता है, पर जैसे ही ये पुराने होते हैं ये कर देते हैं आपकी पोजीशन में पंचर। तो फिर आप क्या करते हैं? रात गई बात गई, अब तू कौन मैं कौन। अब तक आपने जिससे लिया मजा वो आज देता है दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग की सजा।
इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ये ढेर बीमारियों का पहाड़ है। देश की मिट्टी दूषित हो गई है और देश का पानी अब पीने लायक नहीं है। सब्जी, फल, अनाज और पानी, हर चीज में जहर घुल रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर है। ये जगह है दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर बसा कृष्णा विहार। पिछले कई साल से यहां पर इसी तरह से बिना किसी नियम और कानून के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को डिस्पोज और डंप किया जाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉनिक कचरा अब इस इलाके के लिए अभिशाप बन चुका है, क्योंकि ये हैवी मेटल्स भूमिगत जल को दूषित कर रहे हैं, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बॉडी पे असर सर, मुझे सांस की बीमारी भी बन चुकी है और ये पानी की वजह, जब मैं गांव में रहता था तो मुझे इतनी परेशानी नहीं थी। मेरे को यहाँ 1.5 साल हो गया रहते हुए, 1.5 साल से यही है सही। प्रॉब्लम होती है लेकिन चौकी पास में है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते हैं। तो आपकी चौकी सामने बिल्कुल नियर ही है, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते हैं, तो आम आदमी क्या कह सकता है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता सिराजुद्दीन अहमद और रश्मि कक्कड़ ने इस इलाके की मिट्टी और ग्राउंड वाटर की स्टडी की। जब नतीजे सामने आए तो वह हैरान रह गए। शोधकर्ताओं ने यहां से 5 किलोमीटर दूर एक जगह को रेफरेंस साइट के तौर पर चुना। यहां की मिट्टी की ऊपरी परत में कॉपर की मात्रा 33 गुना ज्यादा थी, लेड की मात्रा 23 गुना ज्यादा, कैडमियम की मात्रा 183 गुना ज्यादा, क्रोमियम की मात्रा 20 गुना ज्यादा और जिंक की मात्रा 18 गुना ज्यादा निकली। मंडोली के पास कृष्णा विहार के इस इलाके की मिट्टी और पानी बुरी तरह से दूषित हो चुके हैं। पहले हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आप देखिए तमाम तरह के यहाँ पर मदरबोर्ड्स पड़े हुए हैं जो कि वेस्ट हैं और जिसको कि इनलीगली यहाँ पर डंप किया गया है। इसको डंप करने का तरीका होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियाँ होती हैं उनकी काफ़ी हद तक होती है कि उन लोगों को इसको वापस ले करके ठीक तरह से डंप करना चाहिए। लेकिन आप देखिए इनलीगली ये जो पूरा वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये यहाँ पर डंप किया हुआ। और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ के मिट्टी के और पानी के सैंपल्स लिए और उसका जब टेस्ट किया तो पता चला कि यहाँ पर हैवी मेटल्स, लेड हो गए, कॉपर हो गए, इसके अलावा और तमाम तरह के हैवी मेटल्स जो हैं वो इस मिट्टी में और यहाँ के पानी में पाए गए हैं। और इनको अगर किसी भी तरह से ये हैवी मेटल्स बॉडी में पहुँच जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे मौजूद सब सॉइल में भी हैवी मेटल्स कई गुना ज्यादा पाए गए। सब सॉइल वो मिट्टी होती है जहां पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं। इसका मतलब अगर यहां पर कोई फसल उगाई जाती है तो ये हैवी मेटल्स उसमें भी जा सकते हैं और फिर उसे खाने वाले के शरीर तक पहुंच सकते हैं। कृष्णानगर की मिट्टी के निचली परत में रेफरेंस साइट की मिट्टी के मुकाबले कॉपर 125 गुना ज्यादा, लेड 426 गुना ज्यादा, क्रोमियम 805 गुना ज्यादा और जिंक 217 गुना ज्यादा है। हैरानी की बात यह है कि रेफरेंस साइट की मिट्टी की निचली परत में कैडमियम था ही नहीं, लेकिन कृष्णानगर की निचली परत में 1 किलोग्राम मिट्टी में 19 मिलीग्राम कैडमियम था। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके साथ कुछ लेबलिंग होनी चाहिए कि इसके डिस्पोजल के लिए आपको क्या एहतियात करनी है, वेयर यू हैव टू डिस्पोज ऑफ। एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं उनको भी अपने पास एक अवेयरनेस के लिए कुछ चार्ट या बैनर्स वगैरह लगाने चाहिए और एक अपने यहाँ एक डस्टबिन टाइप का ई वेस्ट बिन को प्रोमिनेंट जगह पे रखना चाहिए ताकि लोगों को ये तो मालूम चले कि भाई हमें अगर इसको हम सेफ डिस्पोज करना चाहते हैं तो हम कहाँ करें। हैवी मेटल्स इलाके के भूमिगत जल में भी पहुंच चुके हैं। लेड, कॉपर, कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स जो शरीर के लिए बहुत खतरनाक समझे जाते हैं वो सुरक्षित समझे जाने वाले मानकों से 30 गुना ज्यादा हो गए हैं। भूमिगत जल में कॉपर मानक स्तर से 30 गुना ज्यादा, लेड 25 गुना ज्यादा, कैडमियम 28 गुना ज्यादा, क्रोमियम 17 गुना ज्यादा और निकल 6 गुना ज्यादा था। मतलब साफ है कि यहां का ग्राउंड वाटर अब किसी भी तरह से पीने के लायक नहीं रह गया है। अगर कोई भी इस पानी को पीता है तो यह हैवी मेटल्स सीधे उनके शरीर में पहुंच सकते हैं। जब मैंने जाके इस पर्टिकुलर साइट पे देखा, वहाँ पे ओपन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हो रहा था
जिसमें एसिड ड्रम वाला ट्रीटमेंट यूज़ हो रहा था। ओपन ड्रम्स के अंदर एसिड भर के उसके अंदर जो प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड्स PWBs जिनको हम कहते हैं, वो उनके अंदर डाल के उसको बॉयल किया जा रहा था। लोग वहाँ ओपन जो काम कर रहे थे उनकी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी बुरी थी, उनकी आँखों से पानी निकल रहा था, वो ब्रीदिंग के उनको इशूज़ थे। मैंने उनको कहा क्यों काम कर रहे हो, दो चार साल में मर जाओगे यहाँ काम करके, क्या करें मैडम, रोटी तो खानी है। दिस वॉज देयर एटीट्यूड। हैवी मेटल्स शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान किडनी और लिवर को पहुंचता है। ये हैवी मेटल्स अगर लंबे समय तक शरीर में जाते रहे तो फिजिकल, मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं और हर एक बॉडी पार्ट के अंदर डिपॉजिट होना शुरू कर सकते हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे लीवर के ऊपर, हमारी आइज़ के ऊपर, हमारे बोन मैरो के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर। तो ये जो इफेक्ट है इसका बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन एक परमिशेबल लिमिट तक तो टॉलरेट हो जाती, बॉडी कर लेती है, लेकिन उसके बाद इसको एलिमिनेट नहीं कर सकती और बॉडी में एकोमिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई वेस्ट को कम करने और रिसाइकलिंग को बढ़ाने के मकसद से 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे, लेकिन हमारे देश में करीब 95% ई वेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मैनेज होता है, यानी बगैर किसी सही तरीके के इसमें से सोना या दूसरी महंगी धातुएं निकालने के लिए इसे डिसमेंटल किया जाता है या फिर जला दिया जाता है और उसके बाद ऐसे ही डंप किया जाता है। एसोचैम की स्टडी बताती है कि इस काम में लगे लोगों के लिए यह खतरनाक साबित हो रहा है। ई वेस्ट के काम में लगे 67% वर्कर्स तमाम तरह की बीमारियों से परेशान हैं। बड़े दान बने हुए उसमें ले जाकर उसमें डाल दो, और हर गली में गाड़ी आती है उसमें डाल दो। कानून तो बहुत बने हुए भाई साहब, इम्प्लीमेंट होता भी ना, अपने आप इनको भी खुद भी सोचना चाहिए भी डालना चाहिए कि नहीं, पहले हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। गंदगी तो बहुत है लेकिन कंट्रोल भी हुई है कुछ पीछे से, लेकिन गंदगी तो है। एसोचैम के मुताबिक अकेले दिल्ली NCR में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पैदा हो रहा है और 2020 तक यहां करीब 1.5 लाख टन ई वेस्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बुरे असर से कैसे बचा जाए, इस पर कोई भी गंभीर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में निकलने वाले कुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करीब 80% इसी तरह से बिना सही प्रोसेस के डंप कर दिया जाता है। और जामिया मिलिया इस्लामिया के रिसर्चर्स की स्टडी ये बताती है कि ये डंप किस तरह से सिर्फ मिट्टी ही नहीं बल्कि पानी को भी प्रदूषित कर रहा है, और जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैमरामैन प्रमोद बिष्ट के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, Zee Media दिल्ली।